हमारी एक तरफ है का एलकेएम और दूसरी तरफ है माचैम्प। तो आज देखते हैं इन दोनों में कौन बेस्ट हैगा, और ये बेस्ट हम देखेंगे डिज़ाइन, टाइपिंग, स्टैट, एबिलिटी और पॉपुलैरिटी। इन पांचों के बेसिस पे हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। इसका डिज़ाइन बिल्कुल ह्यूमंस की तरह है, दो पैर पे खड़ा होता है, दो ही हाथ हैंगे और मूछे भी हैं, मतलब मच्छो है ही। लेकिन फिज़िकली ये स्ट्रॉन्ग लगता नहीं हैगा, तो ज़्यादा लोग में वो लगता नहीं, किसे पसंद करेंगे लुक के मामले में। जैसे कि एल देख लो, उसका आईक्यू काफ़ी अच्छा हैगा, इसका भी आईक्यू काफ़ी अच्छा है, और दोनों ढेर डाले हैं, तो ही जज नहीं कर सकते कि कौन ज़्यादा बेस्ट है। माचैम्प के चार हाथ हैं माना कि, लेकिन दिखता वो इंसान जैसे ही है, पूरा एकदम दमदार मस्कुलर, भाई क्या पोकेमोन हैगा, बिल्कुल ब्रोक लेसनर की तरह दिखता है मेरे को, और एक हैवी वेट बेल्ट भी पहन रखता है ये हमेशा। इसलिए भाई ज़्यादा लोग इसी को पसंद करेंगे क्योंकि ब्रोक लेसनर की तरह दिखता हैगा और हट्टा कट्टा पोकेमोन भी हैगा, तो मेरा वोट भी इसी को जाता है। तो पहला पॉइंट मिलता है माचैम्प को। एलकेएम एक साइकिक टाइप पोकेमोन हैगा, यह तो आप सबको पता होगा, लेकिन अगर ये अटैक करता हैगा तो ये सुपर इफेक्टिव होगा पॉइजन और फाइटिंग टाइप पे, और साइकिक और स्टील टाइप पे ये हाफ डैमेज देगा, मतलब जितना ये डैमेज दे सकता है उससे आधा डैमेज देगा। लेकिन डार्क टाइप को तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो भूल ही जाओ, डार्क टाइप पे कुछ कर भी लेगा। माचैम्प एक फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, तो मतलब ऑफेंसिव तो रहेगा, वो नॉर्मल आइस, रॉक और डार्क स्टील इन पांचों टाइप पे सुपर इफेक्टिव हैगा, लेकिन पॉइजन, फ्लाइर, साइकिक, बग और फेरी इन सब पे नॉट वेरी इफेक्टिव है, मतलब हाफ डैमेज दे सकता हैगा। और गोस्ट टाइप को तो भाई छू ही नहीं सकता अपने पंच वंच किसी भी खतरनाक मूव से, मेरा मतलब फाइटिंग टाइप मूव से। डिफेंस की बात कर ली जाए तो एलकेएम पे फाइटिंग टाइप और साइकिक टाइप का ज़्यादा असर नहीं होगा, लेकिन बग टाइप, गोस्ट टाइप और डार्क टाइप इसका सुपर इफेक्टिव असर होगा, तो इसे इनसे बच के रहना चाहिए। माचैम्प के ऊपर भी बग टाइप, रॉक टाइप और डार्क टाइप का ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन फ्लाइंग टाइप, साइकिक टाइप और फेरी टाइप इनका बहुत ज़्यादा असर हो सकता है। तो देखा जाए तो फाइटिंग टाइप पोकेमोन ज़्यादा बढ़िया रहेंगे बैटल में, क्योंकि ये पांच पे सुपर इफेक्टिव हैं और पांच टाइप इस पे सुपर इफेक्टिव हैं। लेकिन एलकेएम का क्या, वो दो पे तो सुपर इफेक्टिव है लेकिन तीन उस पे सुपर इफेक्टिव है, तो ये पॉइंट मैं माचैम्प को देना चाहूँगा, क्योंकि ये बैटल में ज़्यादा मदद करवा सकता है। तो स्टैट की बात की जाए तो एलकेएम की खासियत है भाई स्पेशल अटैक और स्पीड, जो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है भाई बैटल में, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है गेम में। और माचैम्प इसकी स्पीड तो भाई ना ही पूछो तो अच्छा है, काफ़ी बेकार स्पीड है इसकी तो, लेकिन इसके डिफेंस, स्पेशल डिफेंस और अटैक तीनों ही ठीक ठाक हैं, और अटैक तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है फिजिकल अटैक। तो ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि 500 स्टैट है टोटल इसके, उसके 505 हैं, इस तरह तो उसे जीतना चाहिएगा, लेकिन गेम में जो पहले बार करता है और वो एंड भी कर सकता है भाई बैटल को, तो इस तरह अलग है हमको जीतना चाहिएगा। तो आप कमेंट बताइए कि शायद किसे जीतना चाहिए, मगर मेरी तरफ से तो भाई अलग है हमको जीतना चाहिए, क्योंकि पहले अटैक करके हम एंड कर सकते हैं, अगर नहीं हुआ तो हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन माचैम्प का ये अच्छा है कि वो डिफेंस उसका अच्छा है तो सह सकता है वो, लेकिन अगर आपने स्विच करके पोकेमोन फेंका तो अलग है तो मार देगा एक मूव खाने के बाद सबसे पहले, लेकिन माचैम्प पहले स्विच होएगा तब मार खाएगा, उसके बाद दोबारा मार खाएगा, फिर जाके अपना मूव मारेगा, तो क्या पता जब तक उसकी पावर बचे ना, तो फिर ये वो पॉइंट तो भाई एलकेएम को पक्का मिलना चाहिए। एलकेएम की पहली एबिलिटी है सिंक्रोनाइज, जिससे अगर ये पॉइजन या बर्न या कुछ भी होता है तो जो सामने अपोनेंट होगा वो भी हो सकता है, मतलब सिंक हो जाता है स्टेटस प्रॉब्लम के साथ। दूसरी एबिलिटी है इनर फोकस, जिससे ये कभी फोकस खोएगा नहीं, फ्लिंक नहीं होगा, जैसे हेडबट लगने पर हो जाता है वैसा इसके साथ नहीं होगा। और तीसरी आएगी मैजिक गार्ड, जिससे इनडायरेक्ट हिट नहीं होगा इस पर, जैसे कि वो होता है पॉइजन हो जाता है, जब बर्न हो जाता है तो डैमेज होता है ना, वैसा इसके साथ नहीं होगा, मतलब इनडायरेक्ट डैमेज इसको नहीं दे सकते इस एबिलिटी से। माचैम्प की बात की जाए तो इसका पहली एबिलिटी है गट्स, जिससे अगर इसको स्टेटस प्रॉब्लम होती है पॉइजन, बर्न, पैरालाइज कुछ भी होता है तो उसके अटैक रेज हो जाएंगे, इतने ज़्यादा रेज तो हैं बल्कि और भी हो जाएंगे, तो मतलब डैमेज बहुत ज़्यादा दे सकता है ये। दूसरी एबिलिटी है नो गार्ड, जिससे अगर कोई पोकेमोन फ्लाई कर रहा हो, डिक कर रहा हो, डाइव कर रहा हो या फिर ऐसे कुछ भी कर रहा हो जिसमें दो मूव लगते हैं और पहला मूव बच जाता है हर बार, पर इससे नहीं बच पाएगा इस एबिलिटी से, वो उसको मूव लग के रहेगा।
उसकी सेकंड एबिलिटी है स्टेड फास्ट, जिससे अगर ये फ्लिंक होता हैगा मतलब कोई भी मूव भूल जाता हैगा हेडबट या किसी तरीके से, तो उसकी स्पीड और रोज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। एलेका सैम की अच्छी एबिलिटी तो है खासकर मैजिक कार्ड, लेकिन इसकी दो अच्छी अच्छी एबिलिटीज़ हैं, जैसे कि एक है कि गट्स और एक है नो गार्ड, जो इसको ज़्यादा एडवांटेज देगी, तो ये पॉइंट भी इसी को जाता है माचैम्प को। तो गाइस आपको आपका विनर मिल चुका होगा, वो है माचैम्प। वो इतना अच्छा है पोकेमोन हैगा अगर आप इसको चुनते हो तो, लेकिन अगर आप साइकिक चुनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो भी अच्छा पोकेमोन है, इतनी ज़्यादा डिसएडवांटेज नहीं है। लेकिन अगर इन दोनों से एक चुनना हो तो मेरी तरफ से माचैम्प को वोट जाता है। और आखिरी बात पॉपुलैरिटी की रही, वो आप खुद बता सकते हो कमेंट में, जिसकी ज़्यादा पॉपुलैरिटी होगी मैं उसी को मान लूँगा भाई कि वही जीत गया, और शायद वही जीत जाए भाई, क्योंकि पॉपुलैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि इसी पॉपुलर ही है वो भाई, चांसेस बढ़ जाते हैं उसके जीतने के, तभी तो लोग पसंद करते हैं उसे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको एनिमेशन, जिससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा पोकेमॉन बेस्ट है, क्योंकि दोनों पोकेमॉन बेस्ट हैं, इसलिए इन दोनों का मुकाबला एक दूसरे से नहीं होगा, वरना आपको पता है कि एलेकाज़ाम आराम से जीत जाएगा। लेकिन अपोनेंट अगर कैसा हुआ तो फिर फ़ायदा कौन ज़्यादा देगा ये देखा जाएगा। आप एनिमेशन देखिए, अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।